मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के कंटेंट जो है हमारे वो है कंपोनेंट्स ऑफ एयर इनटेक सिस्टम। ठीक है, एयर इनटेक सिस्टम में क्या क्या आपके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद एयर इनटेक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है आपके एयर क्लीनर। ठीक है, एयर इनटेक के बाद आपका एयर क्लीनर कितने टाइप का है। तो एयर इनटेक सिस्टम में क्या क्या आपको सर्विस इंस्ट्रक्शन रखने चाहिए, क्या क्या उससे आपको मेंटेनेंस के लिए क्या आवश्यक नेसेसरी है वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम। ठीक है, एग्जॉस्ट सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उनका क्या यूज होता है, ये भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ मफलर, मफलर कितने टाइप के होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सिस्टम ऑफ इंजन। ठीक है, तो इंजन के सिस्टम डिस्कस करने से पहले हम ट्रैक्टर के सिस्टम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके ट्रैक्टर के जो है वो आपका ट्रैक्टर पांच सिस्टम के आधार पर मेनली वर्क करता है। ठीक है, उसमें पहला जो सिस्टम रहता है ट्रैक्टर का वो रहता है पावर जनरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिसको हम इंजन कहते हैं। ठीक है, इंजन क्या करता है, आपके आपके जो ट्रैक्टर में पावर जनरेटिंग एक सोर्स है, पावर जनरेटिंग एक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट रहता है सेकंड आपका ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, ट्रैक्टर का दूसरा जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, थर्ड नंबर रहता है आपका कंट्रोलिंग सिस्टम, या उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रहता है आपका हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, और लास्ट में रहता है पांचवा आपका ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ट्रैक्टर जो है आपका वो मेनली इन पांचों सिस्टम पे ही वर्क करता है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला सिस्टम जो है ट्रैक्टर का वो है पावर जनरेटिंग सिस्टम, दैट इज इंजन। ठीक है, तो इंजन जो है हमारा वो भी बेसिकली पांच सिस्टम पे वर्क करता है। ठीक है, तो इंजन के पांच सिस्टम हम इसमें देखेंगे। पहला रहता है आपका एयर इंटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, आपका एयर इंटेक होता है, फिर बाद में कंबस्शन होता है और एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस होती है, तो एग्जॉस्ट बाहर निकलती है, उसको ही हम बोलते हैं एयर इंटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। ठीक है, सेकंड रहता है आपका फ्यूल सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ट्रैक्टर को कोई भी इंजन हो उसको स्टार्ट करने के लिए फ्यूल सप्लाई की भी आवश्यकता होती है, तो वो रहता है हमारा फ्यूल सिस्टम। ठीक है, थर्ड रहता है आपका लुब्रिकेशन सिस्टम, जो कि आपके ट्रैक्टर में से फ्रिक्शन को कम करता है, उसको हम बोलते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कूलिंग सिस्टम, जिससे हम इंजन का जो तो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखते हैं। ठीक है, और लास्ट है गवर्निंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, आपके इंजन की स्पीड को कांस्टेंट रखता है, वेरी करता है। ठीक है, तो इसमें से इन पांचों सिस्टम में से हम एक एक का स्टडी करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इंटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। ठीक है, तो उसके हम कंटेंट देखते हैं, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं एयर इंटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम में। तो इंटेक सिस्टम में क्या क्या होता है, एक तो आपका प्री क्लीनर लगा होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक मेन एयर क्लीनर लगा होता है, उसके बाद एक रहता है टर्बो चार्जर, नेक्स्ट रहता है आपका इनटेक मैनिफोल्ड और नेक्स्ट रहता है इनटेक वॉल्व। ठीक है, इसी तरह से एग्जॉस्ट सिस्टम में भी आपके बहुत कंपोनेंट रहते हैं। ठीक है, तो उसमें से कुछ कंपोनेंट ये है एग्जॉस्ट वॉल्व। ठीक है, और नेक्स्ट रहता है आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, उसके बाद रहता है आपका टर्बो चार्जर और लास्ट में रहता है मफलर। तो इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि दोनों इसमें एक चीज सेम दी है आपको, जो कि है टर्बो चार्जर। तो टर्बो चार्जर का जो है वो आपके ट्रैक्टर में ऑप्शनल है। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरर को वो देना है, ठीक है, तो आप वो आपके ट्रैक्टर में आपको लगा के दे सकता है। तो बेसिकली आपका ट्रैक्टर में जो टर्बो चार्जर है वो ऑप्शनल है। ठीक है, किसी ट्रैक्टर में हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखते हैं एयर इंटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। बेसिकली आपका एयर इंटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम जो है उसका मेन फंक्शन क्या है, कि जो आप जो उसमें से आप सिलेंडर को एयर इंटेक कर रहे हो, तो उसको क्या करना है आपको, जो आपके एटमोस्फेरिक की फ्रेश एयर आप सिलेंडर में सप्लाई कर रहे हो, उसको प्रॉपर क्वांटिटी, राइट टाइम और राइट टेम्परेचर के साथ सिलेंडर में पहुंचाना। ठीक है, ये है एयर इंटेक सिस्टम का आपका मेन वर्क। ठीक है, कोई एटमॉस्फेरिक की फ्रेश एयर को राइट टेम्परेचर, प्रॉपर क्वांटिटी और राइट टाइम के साथ सिलेंडर तक पहुंचाना। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे, यहाँ जो आपको नीचे डायग्राम दिख रहा है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे फिटेड है। ठीक है, तो
पहले हम कंपोनेंट देख लेते हैं। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में अभी देखा है कि पहला एक रहता है आपका प्री क्लीनर, ठीक है। तो ये प्री क्लीनर क्या करता है, प्री क्लीनर सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपके एयर इंटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है। तो प्री क्लीनर क्या करता है आपका, जो जो आपकी मोटे मोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल होते हैं आपके एयर में प्रेजेंट, ठीक है, जैसे चाप, लिंट, इस टाइप से जो डर्ट पार्टिकल एयर में एटमोस्फेयर की एयर के प्रेजेंट एटमोस्फेरिक एयर में प्रेजेंट रहते हैं, उसको प्री क्लीनर में सबसे पहले सक कर लिया जाता है। तो प्री क्लीनर इन बड़े पार्टिकल को आपके क्लीन करता है, ठीक है। उसके बाद रहता है आपका मेन एयर क्लीनर, ठीक है। तो मेन एयर क्लीनर क्या करता है आपका कि इनमें से जो भी पार्टिकल्स आपके बचे हैं, प्री क्लीनर में से जो एयर आ रही है उसमें तो आपके बड़े बड़े पार्टिकल क्लीन हो गए, उसके बाद जो उसमें छोटे छोटे बचेंगे, जो माइनर पार्टिकल्स उसमें रहेंगे, तो वो आपके एयर एंटर करेगी मेन एयर क्लीनर में, ठीक है। इसमें मेन एयर क्लीनर में क्या होता है, एक आपकी स्क्रीन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो उसमें से आपकी एयर आएगी, तो वो जो माइनर एयर माइनर जो पार्टिकल है आपके डस्ट पार्टिकल, वो यहाँ पे कलेक्ट कर लेगा मेन एयर क्लीनर। उसके बाद जो आपकी क्लीन एयर है वो इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू जाएगी आपके सिलेंडर में, जहाँ पे आपका एक इनटेक वॉल लगाया गया है, ठीक है। तो ये होगा आपका एयर इनटेक यहाँ तक। फिर इसमें क्या होगा, आपके चारों स्ट्रोक कंप्लीट होंगी, जैसे सक्शन में आपने एयर को एंटर किया, फिर सब एयर को कॉम्प्रेस किया, फिर वहां पे हीट जनरेट हुआ, तो वहां पे फ्यूल सप्लाई होने के बाद हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होने के कारण वहां पे ब्लास्ट होगा, ठीक है। ब्लास्ट होने के बाद उसमें आपकी एग्जॉस्ट गैसेस क्रिएट होगी, तो वो एग्जॉस्ट गैसेस आपके एग्जॉस्ट वॉल्व के थ्रू एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जाएगी, और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर रहता है आपका मफलर, ठीक है, जिसको हम आम भाषा में साइलेंसर भी बोलते हैं, तो उसके थ्रू हो जाएगी आपकी बाहर, ठीक है। तो ये हो गया एयर इंटेक सिस्टम का आपका वर्क, कि एयर इंटेक सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एयर इंटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ठीक है, ये मतलब ये आपकी है एयर इंटेक, ठीक है। यहाँ पे एक कॉम्प्रेसर फिटेड किया है, ये हो गया आपका इंजन असेंबली, ठीक है। और ये जो रेड दिख रहा है, ये हो गई आपकी एग्जॉस्ट एयर, मतलब जब आप पावर जनरेट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी एग्जॉस्ट गैसेस क्रिएट होगी सिलेंडर में, तो वो बाहर भी निकलनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ एक टर्बोचार्जर फिटेड किया हुआ है। तो इसका भी हम वर्क देखेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं कि एयर इनटेक कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ये है आपका एयर क्लीनर, ठीक है। यहाँ से आपकी एयर एंटर हो रही है, फिर जा रही है आपके टर्बोचार्जर में, टर्बोचार्जर में कॉम्प्रेस होके फिर जा रही है आपके इंजन सिलेंडर में, ठीक है। सिलेंडर में जाके वहां पे हर एक पिस्टन को सेपरेटली, जैसे अकॉर्डिंग टू उनके स्ट्रोक, वो एक एक सिलेंडर को प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। फिर वहां पे आपके चारों स्ट्रोक हो जाएंगे, जैसे सक्शन, कॉम्प्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। फिर आपकी जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। तो बाहर निकलेगी तो वो सबसे पहले आपके टर्बोचार्जर में जाएगी, तो टर्बोचार्जर में एक आपके टर्बाइन फिटेड है यहाँ पे, तो टर्बाइन के रास्ते घुमाकर वो आपके बाहर चली जाएगी एग्जॉस्ट मफलर के थ्रू, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे टर्बोचार्जर एक आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो टर्बोचार्जर का मेन वर्क क्या है, तो टर्बोचार्जर क्या करता है आपका, मेनली आपके ट्रैक्टर की जो इफिशियंसी है, ठीक है, उसको बढ़ाता है, मतलब आपके इंजन को पावर ज्यादा जनरेट करने की काबिलियत रखता है, ठीक है। जो आपकी इफिशियंसी है वो टर्बोचार्जर के थ्रू आप बढ़ा सकते हो। तो वो कैसे बढ़ाता है, तो इसमें से देख रहे हो आप, यहाँ पे एक रहेगा आपका कॉम्प्रेसर, जो कि आपके इनटेक मैनिफोल्ड पे अटैच है, और दूसरी साइड एक रहेगा आपका टर्बाइन, जो कि आपकी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे सिचुएटेड है। तो इन दोनों को अटैच करने के लिए, ठीक है, एक शाफ्ट दी हुई है, क्योंकि भाई यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपकी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती है, तो बाहर निकलते टाइम क्या करती है, इस इम्पेलर को घुमाती है, ठीक है। जैसे ही आपका इम्पेलर घुमा, तो एक शाफ्ट के थ्रू उस पर कॉम्प्रेसर आपका अटैच रहता है, ठीक है। जैसे ही आपका इम्पेलर घुमा, तो वो आपके कॉम्प्रेसर को घुमाता है, और कॉम्प्रेसर घूमने के कारण क्या होता है, जो आप एयर क्लीनर से इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू जो अंदर खींच रहे हो, ठीक है, इंजन में खींच रहे हो, तो वो कॉम्प्रेसर घूमने के कारण तेजी से अंदर आ जाती है। तेजी से आने के कारण क्या होता है, वो यहाँ पे कॉम्प्रेस होके आपके
इंजन में जाती है, फिर वहां पे आपका सक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सक्शन होने के बाद यहाँ पे जो गैसेस क्रिएट होगी, एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है, सक्शन पावर, सक्शन कॉम्प्रेशर, ठीक है, उसके बाद उसका कॉम्प्रेशन होगा, फिर पावर जनरेट होगी, और जो एग्जॉस्ट गैसेस आपकी बाहर निकलेगी, तो ये एग्जॉस्ट वाल्व मैनिफोल्ड के थ्रू आपकी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आपके दो चीजें क्लियर हो गई कि आपके एयर क्लीनर से आपकी एयर कैसे एंटर होती है, उसके बाद आपके टर्बोचार्जर का क्या वर्क है, और एग्जॉस्ट कैसे आउट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एयर इनटेक सिस्टम। एयर इनटेक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहला रहता है आपका सिलेंडर फिट, और दूसरा रहता है क्रैंक स्पीड, ठीक है। तो सिलेंडर फिट आप यूज करते हो 4-स्ट्रोक इंजन में, और क्रैंक स्पीड आप यूज करते हो 2-स्ट्रोक इंजन में, ठीक है। तो आपने कल देखा ही था कि 2-स्ट्रोक और 4-स्ट्रोक का वर्किंग कैसे, 2-स्ट्रोक में क्या होता है, 4-स्ट्रोक में क्या होता है। तो जो आपका क्रैंक स्पीड है, इसमें से आपके, इसमें आपके इनलेट पोर के थ्रू पहले आपकी जो एयर है, एटमोस्फेरिक एयर, ठीक है, वो जाएगी आपकी क्रैंकेज में, फिर क्रैंकेज से एक आपका ट्रांसपोर्ट पोर्ट होता है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट पोर्ट दिख रहा है आपको, तो वो ट्रांसपोर्ट पोर्ट के थ्रू जाएगी आपकी सिलेंडर में, मतलब पहले वो जाएगी आपके क्रैंकेज में और उसके बाद जाएगी आपके सिलेंडर में, तो उसको हम बोलते हैं क्रैंकेज फीड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्रैंक स्पीड, सिलेंडर स्पीड उसके अपोजिट है, ठीक है। इसमें आपकी एयर जो है, ठीक है, एटमोस्फेरिक एयर जो इनलेट के थ्रू आपकी आ रही है, वो इनलेट वॉल के थ्रू आपकी डायरेक्टली सिलेंडर में एंटर करेगी, फिर वहां पे आपके 4 स्ट्रोक होंगे और एग्जॉस्ट आउट होगी, ठीक है। तो सिलेंडर स्पीड और क्रैंक स्पीड में अलग अलग थोड़ा वर्क है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले तो आपकी एयर जो है एटमोस्फेरिक की एयर इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू आपके सक्शन पोर्ट से, जो इनटेक पोर्ट है आपका, उससे क्या होगी, पहले क्रैंकेस में एंटर करेगी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट पोर्ट के थ्रू आपके सिलेंडर में जाएगी। लेकिन सिलेंडर फीड में क्या होता है कि जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर इनलेट मैनिफोल्ड से अंदर आ रही है, वो डायरेक्टली आपके इनलेट वॉल के थ्रू सिलेंडर में एंटर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया सिलेंडर फीड और क्रैंकेस फीड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एयर इंटेक सिस्टम में कौन से कंपोनेंट होते हैं, एयर इंटेक सिस्टम में क्या क्या होता है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे एयर क्लीनर लगा होता है, ठीक है, उसके पहले एक प्री क्लीनर लगा होता है, उसके बाद एयर क्लीनर लगा होता है, उसके बाद एक इंटेक मैनिफोल्ड रहता है आपका, फिर इंटेक वॉल रहता है, और टर्बोचार्जर रहता है। तो टर्बोचार्जर का वर्किंग भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन टर्बोचार्जर जो है वो आपके ट्रैक्टर में ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम एयर क्लीनर, ठीक है, जैसे कंपोनेंट हो गए ना, तो उसमें हम देखते हैं एयर क्लीनर कैसे काम करता है, ठीक है। तो एयर क्लीनर क्या करता है आपका, कि जो आप एयर को सक कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सक्शन के दौरान जो आपके, तो एयर क्लीनर में क्या होता है, एयर क्लीनर क्या करता है हमारा, कि जो आपके सक्शन के टाइम आप एयर को सिलेंडर की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें से जो आपके डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो किसी को आवाज नहीं आ रही होगी तो उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बेसिकली मेरे हिसाब से तो सबको आवाज आ रही है। तो एयर क्लीनर का हम यहाँ पे काम देख लेते हैं, ठीक है। तो एयर क्लीनर क्या करता है आपका, जो एयर में आप इंटेक कर रहे हो, ठीक है, सिंपल सा काम है एयर क्लीनर का, कि जो आपके एयर में आप डस्ट और डर्ट को रिमूव करना, जो आपकी एयर में डस्ट और डर्ट प्रेजेंट रहेगी उसको रिमूव करना। तो एयर क्लीनर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहेंगे कि यहाँ पे आपके पास टाइप्स जो है वो एयर क्लीनर के है। तो प्री क्लीनर, ये तो एयर क्लीनर को सिचुएटेड रहता है, ठीक है, एक तो रहेगा आपका ड्राई टाइप और वेट टाइप, जिसको वेट टाइप को हम ऑयल बाथ टाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो एक रहेगा आपका ऑयल बाथ टाइप, सेकंड रहेगा आपका ड्राई एलिमेंट टाइप क्लीनर, फोर्थ रहेगा विस्कस इम्पिगमेंट क्लीनर, और फिफ्थ है स्पाइरल रोटर। तो इनमें से ये दो जो है ये ट्रैक्टर में यूज होते हैं, ये विस्कस इम्पिगमेंट और स्पाइरल इम्पिगमेंट ये यूज होते नहीं है, और ये आप थोड़े ध्यान में भी मत रखिए, क्योंकि ये कहीं यूज होते ही नहीं है, ठीक है, बस ये टाइप्स है आपके एयर क्लीनर में, ठीक है। तो उसमें से
इन तीनों में क्या क्या होता है वो तो हम देखेंगे। तो उसके पहले हम इनमें से दो में क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका विस्कस इम्पिगमेंट जो है, ठीक है, विस्कस इम्पिगमेंट क्लीनर जो है, इसमें एक स्क्रीन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो वो स्क्रीन क्या करती है, उसमें एक विस्कस मटेरियल आपको लगा देते हैं, ठीक है। तो विस्कस मटेरियल क्या होता है, जैसे एयर में इम्प्यूरिटीज होती है ना, तो उसमें आ जाता है, उन इम्प्यूरिटीज को खुद में शामिल कर लेता है और आपकी एयर को आगे भेज देता है, ठीक है। तो ये है विस्कस इम्पिगमेंट क्लीनर का काम। एक रहता है आपका स्पाइरल रोटर टाइप। तो स्पाइरल रोटर टाइप में क्या होता है, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि स्पाइरल रोटर टाइप एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। तो इस तरह से एक मटेरियल बना होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। एक आपका एक ऐसी स्ट्रिप बनी होगी और यहाँ पे एक आपका कलेक्टर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक स्क्रीन प्रोवाइड रहेगी, इस टाइप से स्क्रीन रहेगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन रहेगी, तो इसमें होता क्या है, तो यहाँ से जो है आपकी एयर जो है वो एंटर करती है, ठीक है। यहाँ से एंटर करने के बाद इसमें क्या होता है, एक स्पाइरल आपको प्रोवाइड किया हुआ होता है, ठीक है। स्पाइरल रोटर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पाइरल रोटर किया होता है, तो यहाँ से आपकी एयर एंटर करेगी तो स्पाइरल में घूमेगी। जैसे ही स्पाइरल में आपकी एयर रोटेट होगी तो उसमें क्या आपका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा तो क्या होगा, यहाँ से आपकी जो एयर है वो यहाँ से सीधा होकर ऊपर जाएगी, ठीक है, और जो आपकी इम्प्यूरिटीज है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो बाहर फेंक देगी। तो आपके जो डस्ट पार्टिकल है वो इस कलेक्टर में आपके डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्पाइरल रोटर टाइप का वर्क, सिंपल सा वर्क है, लेकिन ये यूज नहीं होते। तो जो आपके ऑयल बाथ और ड्राई टाइप एयर क्लीनर है उसमें वो हम देख लेंगे कि ट्रैक्टर में उनका यूज कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ट्री क्लीनर, ठीक है। जो एयर क्लीनर का सबसे पहला कंपोनेंट जो है ट्री क्लीनर, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ट्री क्लीनर क्या करता है, आपका जो आपकी मोटे मोटे डस्ट पार्टिकल है, चाप लिंट जैसे, तो उसको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके एयर क्लीनर पे लोड जो आता है उसको कम करने का काम करता है, मतलब एयर क्लीनर पे जो आपके लोड आ रहा है उसको रिड्यूस करने का काम भी करता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक ट्री क्लीनर आपको लगा हुआ है, तो ये ट्रैक्टर के ऊपर कई लोगों ने देखा होगा कि सिचुएटेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें एक ट्री क्लीनर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, अभी रिसेंटली जो है ट्रैक्टर में ट्री क्लीनर भी एयर ट्री क्लीनर को आ रहे हैं, तो उस ट्री क्लीनर कैसी होती है, यहाँ पे एक स्क्रीन प्रोवाइड की रहती है, ठीक है, मतलब उसको हम बोलते हैं प्री स्क्रीनर। तो वो स्क्रीन क्या करती है, जो आप एयर को सक कर रहे हो तो उसको सक करते टाइम जो उसमें बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल रहेंगे तो उसको वो पहले ही रिमूव कर देगा। उसके बाद आपकी एयर जो है वो प्री क्लीनर में एंटर होगी, तो प्री क्लीनर भी उसको जो बड़ी बड़ी डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पहले पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे, कुछ बचते पार्टिकल है तो वो प्री क्लीनर में रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपके प्री क्लीनर का मेनली काम फंक्शन, ठीक है, क्या फंक्शन रहता है प्री क्लीनर का। तो यहाँ पे भी आप साइड में देख रहे होंगे कि प्री क्लीनर में कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये टॉप कवर जो दिख रहा है, तो ये यहाँ पे जो ब्लैक कलर में है इसको हम बोलते हैं टॉप कवर, ठीक है। इसको पैक करने के लिए यहाँ पे एक रबर रिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रबर रिंग, फिर आता है आपका डस्ट कलेक्टर, इस पार्ट को हम बोलते हैं हम डस्ट कलेक्टर, ठीक है, जो इम्प्यूरिटीज इसमें कलेक्ट हो जाती है आपकी एयर में प्रेजेंट रहने वाली, ठीक है। उसके बाद रहती है एक रबर रिंग, यहाँ भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये रबर रिंग क्या करती है, उसको सील्ड करने का काम करती है, ठीक है। बॉटम में एक आपके डिस्क रहता है, ठीक है, स्क्रीन टाइप डिस्क रहती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका ये पूरा हो गया आपका एयर क्लीनर, ठीक है। तो इसको भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑयल बाथ टाइप। तो बेसिकली जो आपका एयर क्लीनर है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है आपका ऑयल बाथ टाइप और दूसरा होता है ड्राई टाइप, ठीक है। तो ऑयल बाथ टाइप में क्या होता है इसमें हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको एक बड़ा सा जो ब्लैक कलर में है
वो एक आपका ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर है, ठीक है, ये इसका कट व्यू है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एयर इनलेट, यहाँ पे आपका प्री एयर क्लीनर सिचुएटेड रहेगा, ठीक है। और ये हो गया आपका एग्जॉस्ट आउट, ठीक है, मतलब यहाँ से आपके इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू सिलेंडर में वो एंटर करेगा एयर, ठीक है। तो इसमें एक यहाँ पे जो दिया है इसको हम बोलते हैं कप या डस्ट, सॉरी बाउल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ऑयल आपका प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो कट सेक्शन में हम इसका वर्किंग भी देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ एक आपका प्री क्लीनर सिचुएटेड रहता है, प्री क्लीनर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका पूरा एक मेन एयर क्लीनर, ये इसका एक ऑयल रिजर्वायर जिसको हम बाउल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक स्क्रीन प्रोवाइड की जाती है, और ये हो गया आपका जो एयर इनलेट यहाँ पे सिचुएटेड रहेगा, जो आपकी क्लीन एयर है यहाँ से पास होके सिलेंडर में एंटर करेगी, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले जो आपकी एयर आएगी वो इस ट्यूब से, ठीक है, ये जो आपको ट्यूब दिख रही है इससे होकर यहाँ ऑयल में डुबकी मारेगी, ठीक है, मतलब ऑयल से आपके बाहर गुजरेगी। तो जैसे ही वो ऑयल में आएगी तो एयर अपने साथ कुछ ना कुछ डर्ट पार्टिकल भी लेके आएगी, तो जैसे ही वो ऑयल के ऑयल में से गुजरेगी तो वो डस्ट पार्टिकल यहाँ पे छोड़ देगी, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करेगी, थोड़ा सा ऑयल अपने साथ लेके आगे चलेगी। तो वो जो उसमें थोड़ा सा ऑयल लेके आपकी एयर आगे जा रही है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्क्रीन प्रोवाइड की जाती है आपको, ठीक है, पेपर एलिमेंट की एक स्क्रीन प्रोवाइड की जाती है। तो वो ऑयल क्या होगा, यहाँ वो स्क्रीन रिमूव कर लेगी और जो फ्रेश एयर आपकी बचेगी उसको इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू आपके सिलेंडर में एंटर कर देगी। तो सिंपल सा वर्क है कि आपकी एयर इंटेक हो रही है ट्यूब के थ्रू, वो ऑयल में आपके जा रही है, ऑयल में डस्ट पार्टिकल छोड़ के वो ऊपर जा रही है, ठीक है, वहां पे स्क्रीनिंग होके आपका ऑयल भी रिमूव हो रहा है, जो एयर अपने साथ ले के आ रही है, उसके बाद वो जा रही है आपके इंटेक मैनिफोल्ड के थ्रू आपके सिलेंडर में। तो ये होता है ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर में आपके वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके जो ऑयल बाथ एयर क्लीनर है उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो ये एक आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा एक ऑयल क्लीनर है आपका ऑयल बाथ टाइप, तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले तो होता है बाउल, जिसको हम ऑयल रिजर्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका एक वायर मेश एलिमेंट रहता है, उसको हम प्राइमरी वायर मेश कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें वायर मेश एनालिसिस से लगा है, ठीक है। ये हो गई आपकी क्लैंप, जो कि जो वो आप बाउल है उसको अटैच करके रखते हैं बाउल को फिटिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गई आपकी रिंग रबर फिगरी, ठीक है। ये हो गई सीलिंग रिंग, सील करने के लिए जो रिंग लगाई जाती है उसका सीलिंग रिंग बोलते हैं। उसके बाद ये होता है आपका सेकेंडरी वायर मेश, ठीक है। उसके बाद एक रहता है पेपर एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद रहता है ब्रैकेट, ठीक है, जो क्लैंप माउंटिंग होती है वो ब्रैकेट के अंदर होती है, ठीक है। ये आपकी हो गई बॉडी, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स जो है वो आपके एक एयर क्लीनर में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं सर्विसिंग ऑफ ऑयल बाथ एयर क्लीनर, ऑयल बाथ एयर क्लीनर की सर्विसिंग कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो सर्विसिंग में क्या होता है, जब आप ऑयल कब चेंज करना है आपको, जब आप क्या करते हो, एक ट्रैक्टर को डस्टी कंडीशन में चलाते हो, ठीक है। डस्टी कंडीशन मतलब जहाँ पे आपका धान की खेती होगी तो उसमें बहुत सारी स्ट्रॉ के ड्यूरिंग आप ट्रैक्टर को चलाते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको 10 से 12 आवर में आपको ऑयल चेंज करना है, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में आप 40 से 50 घंटे के बाद ऑयल चेंज कर सकते हो, लेकिन ऑयल आप चेंज करोगे तो उसमें जो रिकमेंडेड ग्रेड का ऑयल आपको मैन्युफैक्चरर बोलता है कि यही है ऑयल आप ट्रैक्टर में यूज करो, तो वही ऑयल जो है आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। या तो कोई कोई किसान क्या करते हैं कि जो यूज वाला ऑयल है, यूजेबल ऑयल, उसको डालते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यूजेबल ऑयल एयर क्लीनर में वापस डालना नहीं है, कभी भी डालोगे तो जो रिकमेंडेड ऑयल है आपको, ठीक है, जैसे SE30, SE40 या कोई भी ट्रैक्टर कंपनी है वो खुद का एक ब्रांड बनाती है, तो वो ऑयल आप उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डस्टी कंडीशन में 10 से 12 आवर के बीच करना है आपको, और नॉर्मल कंडीशन में 40 से 50 घंटों के दौरान आपको ऑयल चेंज करना है, ठीक है। तो जब भी आप ऑयल चेंज करते हो
तो उसमें एक एयर क्लीनर रहता है, ठीक है, एयर इंटेक स्क्रीन जो रहती है उसको भी आप साफ करते रहना चाहिए। तो उसको आप कैसे साफ करोगे, तो जो आपको कॉम्प्रेट एक स्क्रीन प्रोवाइड की जाती है उसको आपको आउट टू अंदर से बाहर करना है, सो ना कि आउट टू इन, ठीक है। इन से आउट आप उसको अगर कॉम्प्रेस एयर से साफ करोगे तो जो आपके पार्टिकल्स है वो बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर आउट से मतलब बाहर से अंदर करोगे तो क्या होगा कि आपके पार्टिकल जो है जो आपके स्क्रीन में अवेलेबल थे वो अंदर और चले जाएंगे, तो क्या होगा कि आपके इंजन पे लोड आएगा कि जो एयर है वो पूरी तरह से क्लीन नहीं होगी। तो जब भी आप एयर क्लीनर को या उसकी स्क्रीन को साफ करोगे, ठीक है, तो उसको आपको अंदर से बाहर की तरफ साफ करना है, ठीक है। और कॉम्प्रेसर अगर आपके पास हो तो उसमें जो जो कॉम्प्रेसर के थ्रू आप एयर उसमें एयर से साफ करोगे तो वो कॉम्प्रेसर को आपको थोड़ा सा 3 से 4 mm दूर से उसको साफ करना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि आपकी जो पेपर एलिमेंट है वो फट सकता है, ठीक है। रिफिल द कप टू द ऑयल लेवल मार्क, तो ये जो है जो आपका जो बाउल है, कप मीन्स आपका बाउल, तो आपको जब ऑयल आप उसमें डालते हो तो उसमें एक मार्क रहते हैं, एक तो मैक्सिमम का मार्क रहता है और एक मिनिमम का। तो मैक्सिमम के ऊपर भी नहीं चाहिए और मिनिमम के नीचे भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा रहेगा तो एयर अपने साथ क्या करेगी, ऑयल को लेके सिलेंडर में जाएगी, ठीक है। और अगर कम रहेगा तो क्या होगा कि उसमें जो आपकी क्लीन एयर है वो पूरी तरह से क्लीन ना होके वैसे ही चली जाएगी डस्ट पार्टिकल को साथ लेके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑलवेज रिकमेंडेड ग्रेड लुब्रिकेटिंग ऑयल। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी आप ऑयल चेंज करोगे तो आपको रिकमेंड किया हुआ ऑयल ही यूज करना चाहिए। नॉर्मली ऐसे ही 30 या ऐसे 40 ऑयल हम एयर क्लीनर में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद चेक ऑल लीक प्रूफ जॉइंट्स, जो भी लीकेज वाले पॉइंट्स है आपके उसको चेक करके आपको वो टाइटली फिट करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सर्विसिंग एयर क्लीनर की मेंटेन रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब ऑयल बात तो हो गया आपका, सेकंड है आपका ड्राई एलिमेंट टाइप एयर क्लीनर, ठीक है। तो ड्राई एलिमेंट टाइप में एक दो टाइप के इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे डायग्राम में कि यहाँ दो एयर क्लीनर सिचुएटेड है। तो एक में क्या होता है, यहाँ पे एक अनलोडिंग वॉल्व रहता है और सेकंड में क्या रहता है आपका डस्ट कैप रहता है, ठीक है। तो इसका भी हम वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले इसके पार्ट पार्ट देखते हैं कौन से है, ठीक है। यहाँ से आपकी एयर जो है वो इन होगी, मतलब ये एयर इनटेक इनलेट हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे एक सील प्रोवाइड की है आपको, ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको ये हो गया आपका प्लेटेड पेपर फिल्टर, ये हो गया एक सेंट्रीफ्यूगल एयर का एक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका एक प्लेटेड पेपर फिल्टर हो गया, एक हो गया आपका आउटलेट एयर का आउटलेट, ठीक है। और ये हो गया एक अनलोडिंग वॉल्व आपका, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं वर्किंग, ठीक है। जैसे ही इसमें एयर आपकी एंटर करेगी तो वो क्या करेगी, आपसे आपकी जो शील्ड है इसमें प्रोवाइड किया हुआ शील्ड है उसको टकराएगी। तो जैसे ही टकराएगी तो यहाँ क्या होगा, एयर इस स्क्रीन की तरफ जाएगी, इस प्लेटेड पेपर फिल्टर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एयर घूमना स्टार्ट करेगी, घूमना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पे आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होने के कारण उसमें जो आपके डस्ट पार्टिकल्स है वो बाहर की तरफ फेंके जाएंगे, ठीक है। मतलब जो आपके डर्ट है वो बाहर की तरफ फेंकी जाएगी, तो बाहर की तरफ फेंकी जाएगी तो वो इस अनलोडिंग वॉल्व में सिचुएटेड हो जाएगी, ठीक है। इस अनलोडिंग वॉल्व इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। और जो आपकी फ्रेश एयर है वो प्लेटेड पेपर फिल्टर के साथ आपके एयर आउटलेट से होकर सिलेंडर में गुजर जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा वर्किंग है कि पहले आपकी एयर आ रही है, फिर शील्ड को टकरा रही है, फिर उसमें क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होने के कारण उसमें से जो डर्ट पार्टिकल है वो आपके बाहर की तरफ फेंके जा रहे हैं। तो बाहर की तरफ फेंके जा रहे हो तो यहाँ पे एक अनलोडिंग वॉल्व, जो डस्ट अनलोडिंग वॉल्व है वो प्रोवाइड किया है, तो उसमें वो कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कलेक्ट होने के बाद जो आपकी फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर आपकी एयर आउटलेट के थ्रू आपकी सिलेंडर में चली जाएगी, ठीक है। और सेकंड में हम देखते हैं कि डस्ट कैप वाले क्लीनर में कैसे एक्शन होती है। तो इसमें भी वैसे ही कंपोनेंट रहते हैं, जहाँ से एक हो गया आपका एयर इनटेक, फिर आपको यहाँ पे एक पेपर एलिमेंट फिल्टर दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक टेस्टेड पिन रहती है, ये हो गई आपकी डस्ट कैप और ये हो गया आपका आउटलेट, ठीक है। तो
इसका भी वर्किंग सेम है, जैसे यहाँ से आपकी एंटर उसमें एंटर करेगी, ठीक है, एयर इनलेट से आपकी एयर एंटर करेगी, फिर क्या होगा वो यहाँ पे एक टेस्टेड फिन्स रहता है, मतलब क्या एक प्लास्टिक का पंखा दिया हुआ रहता है जिसको फिन्स प्रोवाइड रहती है, वो फिन्स में जब आपकी एयर आएगी तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मोशन जो है आपका क्रिएट होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल मोशन क्रिएट होगा तो वो एयर आपकी घूमने लगेगी, घूमने लगेगी तो डस्ट पार्टिकल आपकी बाहर की तरफ फेंकेंगी जो कि आपकी इस डस्ट कैप में कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कलेक्ट होने के बाद यहाँ पे तो आपके डस्ट पार्टिकल कलेक्ट हो गए और जो आपकी फ्रेश एयर है वो इस आउटलेट से तो आपकी सिलेंडर में एंटर करेगी। तो बेसिकली दोनों का वर्किंग सेम ही है, बस इसमें क्या रहता है, एक आपका रबर बूट का जो अनलोडिंग वाल्व है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसको एक रबर बूट दिया हुआ रहता है जिसको आप हाथ से दबाकर उसमें से आपकी जो इम्प्यूरिटीज है वो निकाल सकते हो। नॉर्मली इसको एक या दो दिन में आपको साफ करते रहना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है, एक डस्ट कैप आपको प्रोवाइड दी होती है, ठीक है। प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से आपको डस्ट कैप को निकालना है, ठीक है, और उसमें जो आपकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसको निकाल के इसको फिटेड वापस कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है, वायर नेटिंग या नायलॉन हेयर और पेपर का हम यूज करते हैं, और ये आपका माउंट का होता है कि जो आपका रेडिएटर रहता है उसके आगे ये आपका एयर क्लीनर जो है ये माउंट हुआ होता है, ट्रैक्टर में कभी देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ड्राई एयर क्लीनर में, ठीक है। तो ड्राई एयर क्लीनर के यहाँ पे जो ये आपको सिस्टमेटिक ये स्कीमेटिक व्यू दिख रहा है ये आपके महिंद्रा ट्रैक्टर का है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एयर इन हो रही है, यहाँ से एयर आउट हो रही है, एक हो गई आपकी डस्ट कवर जहाँ पे आपका डस्ट कलेक्ट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइमरी फिल्टर, ठीक है। तो प्राइमरी फिल्टर मतलब आपका जो एयर क्लीनर होता है उसमें एक प्राइमरी फिल्टर दिया होता है और इसके अंदर एक सेफ्टी कार्ट्रेज रखते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी फिल्टर के अंदर ही सेफ्टी कार्ट्रेज रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे एक क्लॉक इंडिकेटर दिया हुआ है आपका, क्लॉक इंडिकेटर का कनेक्शन कहाँ होगा आपके डैशबोर्ड पे, ठीक है। ये इंडिकेट करेगा आपको कि आपका एयर क्लीनर पूरी तरह से भर गया है, ठीक है। तो ये सारे आपके कंपोनेंट है ड्राई एयर क्लीनर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर्विसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो सर्विसिंग कैसे करते हैं ये हम सर्विस इंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आप आपका एयर क्लीनर है उसको 24 घंटे बाद आपको जो प्राइमरी एलिमेंट है एयर क्लीनर का, जो प्राइमरी एलिमेंट है, प्राइमरी एलिमेंट मतलब ये वाला, ठीक है, जो प्राइमरी फिल्टर आपको दिख रहा है ये वाला फिल्टर जो है इसको आपको 24 घंटे में या आपका जो इंडिकेटर है, ठीक है, जो आपके डैशबोर्ड पे एक इंडिकेटर रहेगा आपका क्लॉक इंडिकेटर, तो वो जब इंस्ट्रक्शन देगा उस टाइम आपको इसको साफ करना है, ठीक है। तो वो जब तक आपके ट्रैक्टर के 900 आवर्स जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक आप उसको साफ करते रहते हो, लेकिन आफ्टर 900 आवर्स उसको प्राइमरी एलिमेंट को आपको पूरी तरह से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। मतलब ये वाला यूज करके फेंक देना है उसको, डायरेक्टली आपको नया वहां पे लगाना है, ठीक है। तो एवरी 900 आवर्स उसको आपको लगाना है प्राइमरी एलिमेंट को, ठीक है। और सेफ्टी एलिमेंट जो है उसको क्या करना है आपको, क्लॉक इंडिकेटर जो एट द टाइम ऑफ 100 आवर्स ऑफ क्लॉक इंडिकेटर, ठीक है, इसको भी वही करना है। क्लॉक इंडिकेटर जब इंडिकेट करेगा तो इसको चेंज कर देना है या 1000 आवर बाद आपको चेंज कर देना है। और अगर ज्यादा डस्टी कंडीशन में आप ट्रैक्टर को चलाते हो तो उसके पहले भी आपका जो एयर क्लीनर है वो पूरी तरह से क्लॉक हो सकता है, तो उसको जब नेसेसरी हो, जब आपको लगे कि आपका इंजन लोड ले रहा है तो उस टाइम पे आपको उसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एयर क्लीनर में क्या होते हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑयल बाथ क्लीनर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यूज करेक्ट विस्कोसिटी ऑफ ऑयल कैन बी प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने आपको बताया लास्ट टाइम कि जब आप आपको रिकमेंडेड किया हुआ ऑयल आप उसमें सिचुएटेड फिलअप करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, लेकिन आप अगर इनकरेक्ट रिकमेंडेड ऑयल जो ग्रेड का इनकरेक्ट ऑयल आपको जो रिकमेंड किया है, ठीक है, इनकरेक्ट
ग्रेट का ऑयल आप एयर क्लीनर में जब डालते हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों कर सकता है? तो क्या होता है कि जो आपकी विस्कोसिटी रहती है ऑयल की, वो कम और ज्यादा रहती है। ठीक है, जैसे आप कम विस्कोसिटी का ऑयल अगर यूज कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो एयर वहां से गुजर रही है तो वो क्या करेगी, अपने साथ साथ वो एयर को लेके चलेगी। ठीक है, तो वो जो आपके स्क्रीनर में दिया हुआ है तो वहां से आपकी जो है एयर उसको छान नहीं पाएगी, उसको सीधा कंबशन चेंबर में लेके जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको जो विस्को इनका करेक्ट विस्कोसिटी वाला ही ऑयल यूज करना है। और अगर ज्यादा विस्कोसिटी वाला ऑयल हो गया तो उसमें क्या होगा, जो आपकी एयर उसमें जा रही है तो उसका विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण जो आपकी क्लीन एयर है वो वहां से गुजर नहीं पाएगी। ठीक है, डस्ट पार्टिकल ज्यादा उसमें रिमूव नहीं कर पाएगी, तो इसलिए वो भी आपका एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको जब भी ऑयल यूज करना है वो रिकमेंडेड ग्रिप का ही करना है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट है आपका सेकंड जो है उसको दिया हुआ है लाइट ग्रेट रिजल्ट्स इन हाई ऑयल कैरी ओवर डस्ट सेपरेशन। तो यही बोला मैंने अभी कि जैसे आप लाइट ग्रेट का अगर ऑयल यूज करोगे तो उसमें आपकी जो एयर है वो डस्ट सेपरेशन नहीं कर पाएगी। ठीक है, आपके ऑयल के साथ सिलेंडर में एंटर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लो ऑयल लेवल्स क्यू पुअर डस्ट सेपरेशन। ठीक है, तो ऑयल लेवल भी अगर कम रहता है आपके एयर क्लीनर में तो वो क्या करेगा, डस्ट सेपरेशन नहीं कर पाएगा। आपकी जो एयर है वो तो एंटर होगी लेकिन ऑयल से गुजरेगी नहीं, सीधा क्या करेगी आपके जो डस्ट पार्टिकल है उसको इनटेक मैनिफोल्ड से सिलेंडर में लेके जाएगी। ठीक है, तो ये आपका डैमेज कर सकता है, फिर आपकी आपको स्मोक दिख सकता है कि आपके इंजन में ऑयल आ गया, तो वो स्मोक जो निकलेगा उससे आप पहचान सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो इफिशियंसी है आपके इंजन की, जो इफिशियंसी है वो ऑल स्पीड में ये कांस्टेंट नहीं दे पाता। ठीक है, ऑयल बाथ एयर क्लीनर नहीं दे पाता, क्योंकि क्या होता है इसमें जब आप लो स्पीड पे चलाते हो तो उस टाइम ये अच्छे से वर्क करता है, उस टाइम इसको एक टाइम मिलता है कि एयर इनटेक कर रहा है, फिर उसको ऑयल से गुजर कर इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू कंबशन चेंबर में ले जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब आप हाई स्पीड से ट्रैक्टर को ऑपरेट करते हो तो क्या होता है इसको पूरी तरह से टाइम नहीं मिल पाता, तो टाइम नहीं मिल पाता तो ये क्या करता है, इफिशियंसी को कमजोर कर देता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट इफिशियंसी नहीं रख पाता। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर इंक्लाइन एप्लीकेशन। अब इंक्लाइन एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि जैसे आप ट्रैक्टर को हिली एरियाज पे चला रहे हो या इंक्लाइन पोर्शन पे चला रहे हो, ठीक है, चढ़ाव पे या उतार पे चला रहे हो, तो क्या होता है उस टाइम उसका जो ऑयल है एयर क्लीनर में से वो आपके स्क्रीन की तरफ चला जाता है। मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी एयर आ रही है तो वो ऑयल से ना गुजर कर डायरेक्टली आपके इनटेक से सिलेंडर में एंटर करती है। ठीक है, तो इसके लिए एक 15 डिग्री का मिनिमम स्लोप दिया रहता है आपको कि 15 डिग्री का इंक्लाइन सरफेस पे आप ट्रैक्टर को चला सकते हो। नॉर्मली इसका एक टेस्ट होता है बुदनी में जिसको हम ऑयल एयर क्लीनर ऑयल पुलओवर टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो 15 डिग्री का स्लोप है उसमें ट्रैक्टर को चार पांच पोजीशन पे रखते हैं, जैसे एक अप डाउन हो गई, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो गई, तो इस टाइप में उसको रख कर उसको चलाकर उसका वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका रिकमेंडेड जो रहता है वो 15 डिग्री स्लोप रहता है। ठीक है, फिर एडवांटेजेस क्या है आपके ड्राई एयर क्लीनर की, ये आपका टोटल प्रूफ सर्विस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट डस्ट इफिशियंसी अंडर ऑल लोड्स। मतलब क्या करता है, ये आपकी इफिशियंसी को इम्प्रूव कर रखता है, हर लोड में इफिशियंसी को कांस्टेंट रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनटेक मैनिफोल्ड। ठीक है, तो इनटेक मैनिफोल्ड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो आपको एक इनटेक मैनिफोल्ड दिया हुआ है, तो ये मल्टी सिलेंडर का इनटेक मैनिफोल्ड आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है तो ये आपका रहता है जो एयर क्लीनर से कनेक्शन आता है वहां पे ये कनेक्ट रहता है इनटेक मैनिफोल्ड पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ से आपकी एयर एंटर करेगी और ये हर एक सिलेंडर को चली जाएगी। ठीक है, ये आपका यहाँ से आपका सिलेंडर में ये कनेक्शन कनेक्ट होता है। मतलब क्या आएगी, यहाँ से आपकी एयर एंटर करेगी, एयर एंटर करने के बाद वो जिस सिलेंडर में सक्शन स्ट्रोक हो रहा है उसको प्रोवाइड की जाएगी, फिर आपका सक्शन होगा, कॉम्प्रेशन होगा, पावर होगा और एग्जॉस्ट होगा। ठीक है, ये होगी आपकी इनटेक मैनिफोल्ड। ओके,
नेक्स्ट है आपकी एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इंटेक सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली इंटेक सिस्टम में क्या था, एक तो आपका प्री एयर क्लीनर था, उसके बाद आपका मेन एयर क्लीनर था, ठीक है। मेन एयर क्लीनर के बाद क्या था आपका, इंटेक मैनिफोल्ड था, और इंटेक मैनिफोल्ड के बाद एक आपको डायरेक्टली आपकी एयर जो है वो सिलेंडर में जा रही थी इनलेट वाल्व के थ्रू, ठीक है। अब क्या हुआ, इनलेट वाल्व में आपका जो एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस हुई उसको निकालने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम कैसे वर्क करते हैं ये हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो एग्जॉस्ट सिस्टम क्या होता है, बेसिकली जो आपके बर्न गैसेस कैरी करता है, ठीक है, इंजन में जो भी जली हुई एग्जॉस्ट गैसेस जो है उसको कैरी करके बाहर छोड़ने का काम एग्जॉस्ट सिस्टम करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका एग्जॉस्ट सिस्टम क्या करता है कि आपके हीट के रिमूव करने का काम करता है, ठीक है, इंजन का साउंड मफल करने का काम करता है, इंजन में जो भी साउंड क्रिएट हो रहा है उसको कम रिड्यूस करने का काम करता है, उसके लिए एक मफलर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, जो आपकी बर्न और अर्मर गैसेस है, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो ये होगा आपका एग्जॉस्ट सिस्टम का मेन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है उसमें क्या क्या कंपोनेंट आपके इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट सिस्टम में, ठीक है। एक रहता है आपका एग्जॉस्ट वॉल्व, ठीक है, एग्जॉस्ट वॉल्व के बाद रहता है आपका एक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ठीक है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद टर्बोचार्जर आपको प्रोवाइड किया हुआ रहता है, ठीक है। टर्बोचार्जर के बाद क्या होता है आपका मफलर होता है। तो टर्बोचार्जर जो कि मैंने आपको बताया वो ट्रैक्टर में ऑप्शनल है, कुछ ट्रैक्टर में टर्बोचार्जर हो सकता है कुछ में नहीं हो सकता, ठीक है। तो एग्जॉस्ट वॉल्व से आपकी एयर आएगी, फिर सॉरी इनटेक से आपकी एयर आएगी, फिर वहां पे आपके स्ट्रोक होंगे, फिर एग्जॉस्ट से वो एग्जॉस्ट वॉल्व के थ्रू बाहर निकल जाएगी। एग्जॉस्ट वॉल्व के बाद एक रहती है आपकी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ठीक है, उसके बाद मफलर आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ठीक है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड आपको दी गई है, ठीक है, सेम इनलेट मैनिफोल्ड जैसी है ये, ठीक है। तो ये आपके कहाँ प्रोवाइड होती है, एग्जॉस्ट वॉल्व और मफलर के बीच में, ठीक है, एग्जॉस्ट वॉल्व और मफलर के बीच में आपकी ये प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। यहाँ आपका एक आउटलेट पोर्शन हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका, स्पेंट गैसेस फ्रॉम इंजन सिलेंडर में से जो गैसेस है उसको मफलर के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एयर कलेक्ट करता है और उसको बाहर छोड़ने का काम करता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपका मफलर, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे एक पोर्शन, तो ये हो गया आपकी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ये जो दिख रहा है फ्लेंज, तो इस जो ये पाइप है आपकी स्टब पाइप ही यहाँ पे अटैच होती है, ठीक है। मतलब यहाँ से आपकी बर्न गैस आएगी, इसके थ्रू जाएगी मफलर में और मफलर के थ्रू जाएगी आपकी बाहर, ठीक है। तो ये हो गया उसका वर्क। तो क्या होता है कि इसका सरफेस ट्रीटमेंट क्या होता है कि ये एक ब्लैक पाउडर से कोटेड रहता है, जो साइलेंसर है आपका ब्लैक पाउडर से कोटेड रहता है, और इसका एग्जॉस्ट बैक प्रेशर जो है वो रहता है आपका 35 मिलीबार मैक्सिमम, ठीक है। इसमें नॉइज लेवल क्या होता है, जो आपका नॉइज लेवल जो है वो रहता है 80 से 90 डेसिबल, ठीक है। ये आपका बाय स्टैंडर्ड है 85 से 90। अगर आपको ऑपरेटर ईयर लेना है तो क्या होगा कि 96 डेसिबल के समथिंग उसका कुछ रहता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक टेस्ट होता है, ठीक है, नॉइज लेवल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मफलर। नेक्स्ट है आपका मफलर, ठीक है। मफलर कितने टाइप का होता है आपका, तो दो टाइप का आपका मफलर होता है, ठीक है। तो मफलर का मेनली काम क्या है, जो आपका मफलर है वो क्या करता है कि आपकी जो एग्जॉस्ट गैसेस आप कैरी कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या करता है, उसमें से हीट को रिड्यूस करता है, ठीक है। जो आपका इंजन में से साउंड आ रहा है उसको भी रिड्यूस करता है, और एग्जॉस्ट एयर जो है आपकी बाहर फेंक देता है। मतलब ये हीट रिड्यूस करने के साथ साथ इंजन में जो साउंड हो रहा है उसको भी कम करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके एग्जॉस्ट मफलर जो है, ठीक है, मफलर की जो टाइप्स है वो दो टाइप्स के आपके मफलर होते हैं। एक रहता है आपका स्ट्रेट फ्लो और सेकंड रहता है आपका जिगजैग या रिवर्स फ्लो टाइप, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो स्ट्रेट फ्लो, ठीक है। तो स्ट्रेट फ्लो में क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आपको
पाइप दिख रही होंगी, ठीक है। तो इसमें एक परफोरेटेड पाइप आपकी यूज की जाती है जैसे स्ट्रिप फ्लो मफलर में, और एक ये जो दिख रहा है ये एक सिलिंड्रिकल टाइप का, एक सिलिंड्रिकल के शेप का एक चेम्बर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये परफोरेटेड पाइप जो है, ठीक है, इसको आप मैं दिखाता हूँ, तो इसका जो साइज है वो आपका इतना रहता है, ठीक है। ये हो गई आपकी सिलिंड्रिकल शेप में जो आपको बाहर की जो बॉडी दिख रही है, ठीक है, ये सिलेंडर शेप में प्रोवाइड की जाती है। और ये जो है, ठीक है, तो इसका जो शेप है पाइप का साइज है उतना ही हमारे इस परफोरेटेड पाइप का शेप रहता है, ठीक है। तो परफोरेटेड से पाइप से दो या तीन गुना ज्यादा आपकी जो बाहर की ये दिख रही है आपको जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ठीक है, ये दो से तीन गुना ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब इसका वर्किंग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस जैसे इसमें एंटर करेगी, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे छोटे छोटे आपको रॉड दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से ये गुजरेगी, ठीक है। या तो क्या करेंगे कि परफोरेटेड पाइप होने के कारण ये रॉड में से आपकी एयर जो है वो इन चेम्बर में चली जाएगी, ठीक है, मतलब एग्जॉस्ट एयर यहाँ से इन कर रही है आपकी, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगी, वो इस तरह से आपकी बाहर निकलने में चली गई, तो कुछ एयर जो है आपकी एग्जॉस्ट एयर इस कम्बर चेम्बर में भी जाएगी, तो छोटे से बड़े चेम्बर में जाएगी, तो उसमें आपका हीट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जो साउंड है वो भी आपका कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि आपकी एयर जो है यहाँ से ऐसे निकल कर एग्जॉस्ट के थ्रू वो बाहर चली जाएगी। सिंपल सा वर्किंग है हमारे स्ट्रेट फ्लो का, ठीक है। सेम वर्किंग आपके जिगजैग का भी है, जिसको हम रिवर्स फ्लो मफलर बोलते हैं। तो रिवर्स फ्लो मफलर में क्या होता है, इसमें एक हॉलो चेम्बर आपका बना रहता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको ये एक हॉलो चेम्बर आपका बना रहता है। इसमें भी जो है ना कंपार्टमेंट आपके बने हुए होते हैं, जैसे ये हो गया आपका एक कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट, थर्ड कंपार्टमेंट, फोर्थ और फिफ्थ कंपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक आपको पाइप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, और उसको एक इस शेप में पाइप से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको जेड शेप, जेड टाइप से आपको दिख रहा होगा कि ये एक दूसरे के साथ अटैच है, ठीक है। तो इसी को हम जिगजैग भी बोलते हैं, ठीक है। जेड शेप में ये आपके अटैच है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जैसे ही एयर आपकी एग्जॉस्ट एयर एंटर करेगी, तो वो इस पाइप के थ्रू क्या होगी, इस पाइप के थ्रू वो आपकी जो एग्जॉस्ट एयर है तो इस पाइप के थ्रू जाएगी आपके ये ऊपर वाले पाइप, ठीक है। तो कुछ एयर जो है आपकी, ये जो आपके पोर्शन है, ठीक है, जहां से आपने कंपोनेंट जो है आपके चेम्बर में कंपार्टमेंट जो है उसमें भी एंटर करेगी, तो बड़े से छोटे से बड़े कंपार्टमेंट में जाएगी, तो ऑब्वियसली क्या होगी, उसमें की हीट रिड्यूस होगी। हीट रिड्यूस होने के साथ साथ क्या होगा, जो आपके साउंड निकल रहा है इंजन से वो भी ज्यादा निकल रहा है, तो इसमें अगर वो एंटर करेगा तो वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से वो यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, इस चेम्बर से फिर इस ट्यूब में जाएगी, ट्यूब में से आगे वाले ट्यूब में जाएगी एक पाइप के थ्रू और निकल जाएगी आपकी बाहर, ठीक है। तो ये हो गया आपके रिवर्स फ्लो का वर्किंग, ठीक है। सेम दोनों का वर्किंग है, बस शेप में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे उसमें एक परफोरेटेड पाइप आपको दी थी, और इसमें क्या दिए हुए हैं, चेम्बर के साथ साथ जो कंपार्टमेंट दिए आपको उसके साथ साथ एक जेड शेप में आपको फ्लो मिल रहा है, ठीक है। तो ये डिजाइन पैरामीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एयर इंटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम खत्म होती है, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो।